स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी कर रहे हैं और इसमें आज पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो इसके पहले और भी क्लास हुआ है, उसको देखिएगा प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा। या अगर आप चाहते हैं बढ़िया से मतलब कोई भी क्लास करना, लाइव क्लास करना या ऑफलाइन क्लास करना, तो स्टार्टिंग में आपको नंबर दिया गया है, उस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे दो लाइन ले लेंगे, यहाँ पे टू लाइंस, समझिए दो लाइंस कौन कौन है। तो यहाँ ले लीजिए ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, एंड दूसरा लाइन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई, बी टू वाई लिखेंगे यहाँ पे प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ये दो लाइन हैं, तो लिखेंगे पैरेलल। ये पैरेलल कब होते हैं, देखिए जब क्या हो ए वन बाई ए टू, ए वन बाई ए है आपका, थोड़ा सा अच्छा साफ सुथरा लिखते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ मतलब कि कोई दिक्कत ना हो। तो ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू, अगर ये ऐसा कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो क्या कहेंगे हम लोग, लाइन जो है हमारा क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। समझ रहे ना बात, ये दोनों लाइन जो है ये पैरेलल कब होंगी, ये पैरेलल कब होंगी, जब एक कंडीशन लागू हो तब। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे ध्यान से, 2x प्लस पहला एग्जाम्पल 3y प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। क्लियर, देखिए 2 बाई 2 1, 3 बाई 3 1, क्लियर। दूसरा बात समझिए, ऐसे भी हो सकता है x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू जीरो, 3x प्लस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, या यहाँ लिख दिया हमने 5 इक्वल टू जीरो। ये कैसे पैरेलल है चेक कीजिए, एक यहाँ पे है तो 1/3, 2/6 कट के 1/3 देगा। तो हमेशा रेशियो जो है ना, यहाँ से चेक करते हैं, इस पर फिट बैठ रहा है, इसलिए क्या हो गया, पैरेलल लाइन कह देंगे। अब दो तरीका के बात आपके दिमाग में आया कि पैरेलल लाइन तो होगा, एक उसमें कंडीशन क्या है कि दोनों लाइन में एक्स वाई का जो यहाँ पे मतलब कोफिशियंट दिख रहा है, एक्स का कोफिशियंट क्या है 2 है, वाई का 3 है, एक्स का 2 वाई का 3, तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों सेम हो सकता है, मतलब दोनों लाइन सेम होगा, बस उसके कांस्टेंट में डिफरेंस होगा या कांस्टेंट भी सेम हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये क्लियरली आपको किसी न किसी रेशियो में दिया रहेगा, क्लियर, इस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, इससे ए वन बी वन सी थी ए टू बी टू से मतलब है, ठीक है ना। दो तरीके का बात दिमाग में आया, तो दोनों तरीका का लाइन जब आपके सामने आएगा तो आप कैसे मतलब कि उसका मतलब कि इक्वेशन, सॉरी दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसको सीखना है। एक बात और सीख लीजिए यहाँ पे, जो हम कह रहे हैं उसको समझने का प्रयास करते हुए उस बात को सीख लीजिए। देखिए कंसेप्ट सीखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जैसे यहाँ पे बात समझिए, अगर यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया गया है, इसको इसको बताए हैं पहले भी हम, और इसके पैरेलल कोई लाइन लिखना हो, इसके समानांतर कोई लाइन लिखना हो, तो क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ये सी जो है ना उसकी जगह पे कोई कांस्टेंट के डाल देंगे बराबर जीरो, यही आपका आंसर होगा। तो ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, डायरेक्ट सिंपल तरीका बताया आपको, और भी कंडीशन देता है अलग अलग तरीका से, उसको भी हम बताएंगे। तो समझिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो है, क्लियर। तो इसके पैरेलल कौन सा लाइन हो सकता है, तो मान लीजिए कोई दिया है लाइन 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू जीरो, तो बिल्कुल क्या आपका ये ऑप्शन सही हो सकता है, बस इतना क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए या रेशियो में होना चाहिए, डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं। मतलब कोई कहेगा एग्जांपल, क्वेश्चन करेगा कि इसके पैरेलल लाइन बताइए, तो ऑप्शन में अगर ये लाइन है तो हमारा सही होगा। आई होप आप बात को क्लियर कट समझ पा रहे हैं, इतना बात समझ में आ गया। अब जो हम बात बताने जा रहे हैं
उसको समझना आपके लिए काफ़ी जरूरी है, क्योंकि अब पॉइंट मेन पॉइंट होगा कि डिस्टेंस वाला जो ये टॉपिक है ना, इसको कवर करने वाले हैं हम लोग। क्लियर? घबराने की बात नहीं है, लाइक कर दीजिए थोड़ा सा, खाली आप देखते हैं टुकुर 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 मत देखिए, थोड़ा लाइक कर दीजिएगा तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। सेम टाइम पर जुड़ जाइए, है ना, सेम टाइम पर नहीं जुड़ेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी बुआ आपको, है ना। आइए यहाँ पे देखा जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या है कहानी समझिए, डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा। तो चलिए, लेट टू लाइन्स, पैरेलल लाइन्स, अब पैरेलल लाइन्स लेना पड़ेगा, पैरेलल लाइन्स, दो समानांतर रेखाओं को हमने ले लिया यहाँ पे, कौन कौन रेखा लेंगे ये बात भी आपको जानना चाहिए। क्या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, और फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, ये पहला बात में ले रहा है, मैंने पहला यहाँ पे ए में, क्योंकि दो चीज़ समझाएं कि दो तरीके से पैरेलल लाइंस मिल सकता है। इसमें आपने क्या देखा बुआ, देखिए तो यहाँ पे सब सेम है कि नहीं है, सेम है कि नहीं है, ए ए बी भी सेम है, तो इस टाइप के लिए क्या फार्मूला होगा ये बात आपको जानना जरूरी है। चलिए इसी बात को आपको बताते हैं हम। तो देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है कि मान लीजिए कि दोनों लाइन जो है ऐसे है, पैरेलल है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लीजिए क्या है, डी है यहाँ पे, ठीक है ना, डी है, ये डी है, तो ये डी का मान क्या होगा, यह दिस इज एल वन दिस इज एल टू, इसके लिए आप एक और तरीका लिख सकते हैं, एल वन ऐसे लिख सकते हैं और अच्छा तरीका से, तो देयर फोर डी इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, सी टू माइनस सी वन, सी टू माइनस सी वन का मॉड बाई क्या होगा बताइए, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल फार्मूला, ये फाइनल फार्मूला आपका हो गया। और ये जो फार्मूला है वो चीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल करें कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, रेखाएं दी गई हैं, कौन कौन रेखा दी गई है देखिए पहले यहां पे, तो रेखा दिया गया है यहां पे समझिए 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू जीरो, 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू जीरो, ये हुआ, इनके बीच डिस्टेंस कैसे निकलेगा। क्लियर बात समझिए, सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला बताया उसको सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल 15 15 दोनों सेम है, वाई वाला का सेम है, तो यहाँ पे सिंपल तरीका क्या है सोल्यूशन का, यहाँ पे बन जाएगा सोल्यूशन कैसे होगा, यहाँ देखिए सी वन, देखिए सी वन कितना है, सी वन दिया है माइनस 34, सी टू कितना है बताइए, सी टू दिया है 31, ए कितना है, ए दिया है 15, अब बी कितना है, बी दिया है 8, तो देयर फोर डी इज इक्वल टू क्या होगा, सी टू माइनस सी वन, इस फॉर्मूला पे सी टू माइनस सी वन का मॉड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी टू माइनस 34 माइनस 31, सॉरी सी टू क्या है 31 है, 31 माइनस 34, 31 माइनस 34, जब 31 और माइनस 34 को हम लोग मतलब देखेंगे तो कितना होगा बोलिए फटाक दे, ये सेम सेम कहानी है, तो यहाँ से मैं तक का दिमाग लगा देंगे ना, तो 31 और 34 जोड़िए कितना हो गया 65 हो गया, 65 बट्टा 65 प्लस में तो प्लस में रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़िए तो क्या होगा, 15 का स्क्वायर 225 साइड में लिखिए, 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, आगे कितना 289 का रूट कितना होगा 17 होगा, 17 यूनिट्स लिख देंगे यहाँ पे, ये बात समझ में आ गया, नहीं दिख रहा ये, क्लियर दिखा, यहाँ पे कट रहा था तो समझ में आया ना, ऐसे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या कहानी सेट हुआ, इसमें कहानी सेट हुआ कि इस तरह से जब दोनों का सेम रहेगा तो आ जाएगा, बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन। बट अब सवाल ये है कि हम बी में आते हैं, बी पार्ट में,
बी पार्ट की क्या कहानी है उसको समझिए। यहाँ पे दोनों डिफरेंट हो तो क्या होगा, और दोनों डिफरेंट बी में मतलब ए और बी में क्या होगा कि सेम सेम नहीं हो तब क्या होगा। अब इसके लिए आपको करना क्या उसको समझिए। इसके लिए लाइन कुछ ऐसे करके देना पड़ेगा, मतलब कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। जब पैरेलल है ना बुआ तो स्लोप तो बराबर होगा, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या होगा तो c2 माइनस c1 का मॉड बाई रूट अंडर वन प्लस एम स्क्वायर। अब ये जो है ना ये जनरली मतलब इससे सभी प्रकार के पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। बात क्या है उसको समझिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ लाइन है, जैसे आप बताइए यहाँ पे 3x माइनस 4y प्लस 9 बराबर 0 दिया है, तो सबसे पहले इसको हम लोग इस फॉर्मेट कैसे चेंज करेंगे, तो माइनस 4y हो जाएगा इधर इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 9। तो देखिए y इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, तो सब में 4 से माइनस 4 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस 3 बाई 4 कितना होगा तो 3 बाई 4 हो जाएगा, x यहाँ रहेगा x प्लस 9 बाई 4। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। और यहाँ से देयरफॉर लिख देंगे m इज इक्वल टू क्या हो गया 3 बाई 4, c बराबर क्या हो गया 9 बाई 4। इन चीज़ों को हम सिखाए हैं, आप थोड़ा सा इसको याद रखिए, याद करने का प्रयास कीजिए, समझे ना बात, याद करने का प्रयास कीजिए। इस चीज़ को हम सिखाए हैं पहले, इसलिए बउआ आप ये हैं थोड़ा सा इधर ध्यान दे दीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना, याद करो कुर्बानी नहीं। यहाँ देखिए तो ऐसे, तो आप कैसे क्वेश्चन पूछेगा इस पर, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, कौन कौन लाइन है भाई, लिखिए 3x माइनस 4y है ना प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड क्या 6x माइनस 8y एंड 17 बराबर 0। ये पैरेलल है कि नहीं, देखिए 3 × 6 × 4 × 8 पैरेलल है। सॉल्यूशन का क्या होगा तरीका, ये चीज़ जानना आपके लिए है काफ़ी ज़रूरी है ना, ज़रूरी जानना है। तो यहाँ पे देखिए 3x माइनस 4y प्लस 9 बराबर 0, इसको देखिए हम लिखेंगे तो देखिए सिंपल बात समझिए ना, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 9, y इज इक्वल टू माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3 बाई 4x प्लस 9 बाई 4। तो इसलिए बोलिए यहाँ पे क्या होने वाला है, m1 मान लीजिए पहला लाइन है तो m1 बराबर m बराबर m1 m बराबर है, तो यहाँ पे 3/4 क्या लिखेंगे, यहाँ पे सीधे लिखिए m तो क्लियर हो गया, m बराबर 3/4 और c1 कितना हो जाएगा 9 बाई 4। फिर यहाँ देखिए 6x एंड 8y माइनस 17 बराबर 0, तो माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 17, y इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइड करेंगे तो 6 बाई 8 कटेगा तो 3/4 आएगा प्लस 17 बाई 8। इसलिए m तो दोनों जगह सेम रहेगा 3/4 ही आया एंड c2 बराबर कितना हो जाएगा 17 बाई 8। तो अब सारा चीज़ खेल समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे क्या चलने वाला है, बताइए वो बढ़िया से, यहाँ पे चलने वाला है कि d बराबर c2 माइनस c1 का मॉड वन प्लस एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर। चलिए सी टू माइनस सी वन, सी टू इज कहाँ है, सी टू देखिए सी टू 17/8 है माइनस 9 बाई 4 है ना बाई रूट अंडर वन प्लस एम स्क्वायर, तो वन प्लस और एम का मान कितना है 3/4 तो 9/16। और देखते हैं थोड़ा सा कट रहा है ना, यहाँ पे देखिए नहीं कटेगा, इसको सोल्व कौन करेगा, सोल्व कौन करेगा, 17 चौका 68 माइनस 72, देखिए
17 चौका 68 माइनस 72 कौन सॉल्व करेगा? थोड़ा सा देखिए गलती तो नहीं हो रहा है ना कहीं, माइनस में कहीं आया क्या कहीं? तो सीटू कितना है? सीटू 17 बटा 8 प्लस में माइनस में बुआ, देखिए जरा ध्यान से, माइनस में आएगा ना बुआ, ये माइनस में आएगा क्योंकि इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 17 तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 17 चौका 68 माइनस 72 मैंने देख रहे हैं हम बटा, अच्छा ट्रिकली नहीं बन रहा है ना, तो 17 माइनस 18 35 माइनस 35 बटा देखिए माइनस 35 35 सीधा हो जाएगा क्योंकि मोड़े तो खत्म हो जाएगा, तो 35 बटा 8 अब बटा 125 5 बटा 4 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चल जाएगा ऊपर तो कट जाएगा दो बार में कट जाएगा 7 बार में, 7/2 आंसर आएगा, आंसर आ रहा है कितना हमको सॉल्व करने पर 7/2 यूनिट्स। ये रहा आपका शानदार आंसर। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने आ जाएगा, दो तरीका से सिखाया आपको हमने, बहुत सारी बातें होंगी, बस समझने का प्रयास कीजिए, मजा आ जाएगा आपको, राइट। देखिए आगे क्या है उसको भी समझते हैं बढ़िया से, छोटा छोटा क्लास करा के सारा चीज खत्म करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारा चीज होता है हर चैप्टर में, लेकिन टाइम आपके पास बहुत कम रहता है, इसलिए पीजी में हम सब कुछ खत्म कर देंगे आपके लिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या है लिखेंगे हम लोग, मिड पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, मिड पैरेलल लाइंस, ध्यान से देखिएगा बढ़िया से समझ में आएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए सबसे बड़ी बात समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, यह L1 गिवन रहेगा, एक लाइन और यहाँ पे है ये L है, और ये जो लाइन है ये भी गिवन रहेगा, ठीक है ना, और तीनों दिया रहेगा भाई, तीनों गिवन रहेगा। तो इसमें क्या है कि बताना है इस लाइन को हम लोग, इसको कहेंगे क्या, मिड पैरेलल, इसको मिड पैरेलल लाइन हम लोग कहते हैं। कब, इफ ऐसा हो कि ये लाइन क्या हो, L1 क्या हो जाए, L के समानांतर हो जाए, माने ये लाइन इसके भी समानांतर हो, इसके भी समानांतर हो, माने दोनों के पैरेलल हो L2 एंड, और देखिए अब तो समानांतर हो गया, देखिए जब पैरेलल है तो मान लीजिए ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे भी तो तीनों लाइन पैरेलल हो सकता था, लेकिन अब करें कि मिड पैरेलल नहीं, पैरेलल तो हो गया, मिड पैरेलल के बाद क्या होगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो हर हाल में सेम होना चाहिए। समझ पा रहे हैं बात कोनिया से? तो डी वन इज इक्वल टू डी टू। एग्जाम्पल, सो डैट लाइन, कौन सा लाइन, एक लाइन दिया रहेगा 5x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज मिड पैरेलल टू द लाइंस, टू द लाइंस 5x माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसके और इसके मिड पैरेलल है, तो मतलब समझ पा रहा है ना, तीनों का स्लोप निकालना पड़ेगा हमको, तो तीनों का स्लोप बराबर अगर हो गया तो क्या हो गया, ये मिड पैरेलल हो, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, क्लियर। इसके इसके बीच देखिए हो रहा है क्या, सॉल्यूशन का हिंट दे रहे हैं आपको, 5x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से y को निकालिए, कैसे निकालेंगे आप लोग, देखिए इसको भेजेंगे उधर तो प्लस में हो जाएगा, तो 5/2 देखिए दिमाग लगाइए, x 2/5 सॉरी एक सेकेंड इसको भेजें उधर तो y कलक कर रहे हैं तो क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 5/2 माइनस 1/2 ये हो जाएगा, 5x माइनस 2y माइनस 9 बराबर 0, इसके बारे में सोचिए क्या होगा, तो इसके y बराबर क्या होगा, फिर 5/2x और फिर क्या होगा माइनस 9/2, और फिर देखिए यहाँ से 5x माइनस 2y
प्लस सेवन बराबर जीरो, तो यहाँ से वाई बराबर क्या होगा फिर फाइव बाई टू, मतलब सबको ले जा रहे हैं वाई, टू वाई उधर ले जाएंगे तो वाई का मान क्या होगा दो से सब में डिवाइड करेंगे एक्स प्लस सेवन बाई टू। यहाँ से बोलिए सब में एम क्या हो गया, सबका एम सेम है तो एम बराबर क्या हो जाएगा पाँच बट्टा दो, और सी वन बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, देखिए अब ये कौन लाइन, ये कौन लाइन लिए थे जो दिया था, तो इसको सी मान लीजिए, सी सी मान लीजिए, सी बराबर क्या मान लीजिए, तो ये एक बट माइनस एक बटा दो, सी वन कितना हो जाएगा यहाँ से बोलिए तो माइनस नाइन बाई टू, और सी टू कितना हो जाएगा बोलिए, सी टू हो जाएगा सेवन बाई टू। अब चलिए यहाँ पे आइए थोड़ा सा ध्यान से बता रहा है, इतना काम आपको पहले से बता दिए हम। चलिए अब निकालिए डी वन, डी वन कैसे निकालेंगे, तो देखिए डी वन कैसे निकालिएगा, सी माइनस सी वन बट्टा वन प्लस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर ऐसे इस पर बैठा लीजिएगा। डी टू कैसे निकालिएगा, तो सी माइनस सी टू का मॉड बट्टा वन प्लस एम स्क्वायर ऐसे निकाल लीजिएगा, दोनों निकाल लीजिएगा, दोनों देखिएगा दोनों कितना आ रहा है, दोनों पक्का बराबर आएगा, लिख दीजिएगा लास्ट में, इसलिए लाइन एल इज, लाइन इज से लिखे, लाइन इज मिड पैरेलल, पैरेलल टू गिवन लाइंस। तो ये चीज आपको खुद से करना है, इस पर काम थोड़ा सा अधूरा किए हैं हम, अच्छा काम आपको करना है। तो क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।